जैसा मैंने बोला था कि अगर इस मूवी के कंटेंट में दम हुआ तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को सपोर्ट करने वाला हूँ। लेट्स सी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो फाइनली कल बंगाली इंडस्ट्री की पहली पायरेटेड फिल्म चेंगिस जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। और जिस तरीके का इस मूवी का ट्रेलर निकल के आया था, काफी हद तक इस मूवी से उम्मीदें थी। तो आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में बात करने वाले कि क्या इस मूवी ने अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिलीवर किया या ये मूवी थोड़ी सी शॉर्ट रह गई। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस मूवी की स्टोरी सेट है 1970s के कलकत्ता में और इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है जयदेव सिंह के कैरेक्टर को, जिसके माँ बाप को राशिद खान ने उसकी आंखों के सामने मार दिया है। तो किस तरीके से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो अंडरवर्ल्ड में उतरता है और किस तरीके से जयदेव जो है वो चंगेज बनता है और किस तरीके से वो 1970 से लेकर 1990 के बीच में कलकत्ता के अंडरवर्ल्ड के ऊपर राज करता है, किस तरीके से उसको अपनी इस कंप्लीट जर्नी में सक्सेस मिलती है, बिट्रेयल मिलता है, प्यार मिलता है और किस तरीके से स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को अपना 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम देना पड़ेगा और ये आपको सिनेमाघरों के अंदर हिंदी और बंगाली में देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। तो इस मूवी का जो पहला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी के अंदर चंगेज का कैरेक्टर, जिसके लिए पूरी तरीके से अप्रिशिएट करना पड़ता है सुपरस्टार जीत को। जिस तरीके से उन्होंने चंगेज के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, मतलब उनकी एंट्री से लेके जिस तरीके के स्वैग मोमेंट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। इसके साथ में अगर आप बात करोगे बाकी एक्टर्स के बारे में, सबने अपने काम को अच्छे तरीके से प्ले किया है। यहाँ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा रोहित रॉय को एज पुलिस कॉप, एज मामा, सब एकदम बढ़िया लग रहा है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी के अंदर बहुत सारे मोमेंट्स हैं। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहला मोमेंट मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा वो था जिस तरीके से वो जाके राशिद खान को गोली मारता, मतलब वो उससे बंदूक उठाता है और जिस तरीके से उसके सामने जाके उसको गोली मारता है और जिस तरीके से उसकी एंट्री होती है ना, आपको मजा आने वाला है। इसके साथ में जाके आप एक एग्जांपल और देख सकते हो कि जिस तरीके से चंगेज जाके अपने मामा से मिलता है, ओहो भाई साहब, वो मोमेंट एकदम गजब था। तो आपको इस तरीके के बहुत सारे मोमेंट्स इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि जिस तरीके का म्यूजिक इसके अंदर यूज किया गया वो डेफिनेटली आपको सीन को फील करा देगा। और साथ में जिस तरीके से कैरेक्टर्स के पीछे यूज किया गया है, डेफिनेटली वो उसके स्वैग को एलिवेट कर रहा है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी की स्टोरी, जिसके लिए डेफिनेटली नीरज पांडे को अप्रिशिएट करना बनता। और मैंने आप लोगों को अपने ट्रेलर रिव्यू के अंदर बताया था कि इसका जो राइटर है वो नीरज पांडे है और उनसे मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे काफी हद तक ये लगता है कि इस मूवी की स्टोरी ने डिलीवर किया है, मतलब जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी प्रोग्रेस करती है और जिस तरीके से इस मूवी की एंडिंग में सेकंड पार्ट का हिंट दिया गया है, डेफिनेटली आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी जो पसंद आने वाली है और आप लोग इसके अगले पार्ट का वेट करने वाले हो। इसके बाद में यहाँ पे इस मूवी के एक्शन सीन्स के बारे में 2 पॉइंट्स को मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को इसके एक्शन सीन्स को लेकर थोड़े से मिक्स रिएक्शंस है। पहला पॉइंट ये होगा कि इस मूवी के एक्शन सीन्स काफी जगह पे अच्छे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्टार्टिंग वाले सीन को देखो, जहाँ पे वो छुरी निकालता है और वो जाके उनको मारता है, मतलब वो लॉजिक बनाते हैं। बट काफी सारे सीन इस तरीके के हैं कि जैसे वो गन से लड़ रहे हैं, उसकी गन की गोली खत्म हो गई, तब तक सामने वाला वेट कर रहा है कि वो गन भर ले फिर मैं मारूंगा। मतलब ठीक है, मतलब कमी निकालने वाली बात है, लेकिन जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखो, हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये नेगेटिव पार्ट ना हो, बट मैं मूवी में काफी ज्यादा लॉजिक ढूंढता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को इस मूवी के एक्शन सीन्स जो वो ठीक ठाक लगे, इतने पसंद नहीं आए। तो अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। तो इस मूवी का जो पहला नेगेटिव पार्ट मेरे को लगा, देखो, वो होगा इस मूवी के अंदर स्टार्टिंग एकदम गजब रखी गई है, मूवी की एंडिंग एकदम गजब है, बट मूवी में ना एक हल्का सा बीच वाला एक पार्ट आता है जहां पर वो मुझे लगता है काफी शरीफ बन जाता है। वहां पे आपको हो सकता है कि वो थोड़ा सा बोर करे, डेफिनेटली आपको वहां पर हल्की सी मूवी जो है वो स्ट्रेच फील होती है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला नेगेटिव पार्ट होगा, देखो, वो होगा इस मूवी की डबिंग। आई नो कि इसका जो बजट है सिर्फ 5 करोड़ रुपए है, बट अगर आप एक मूवी को पैन इंडिया लेवल के ऊपर लेकर आते हो तो डेफिनेटली उसकी डबिंग थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खराब है, बट थोड़ी सी मेरे को लगता है बेटर हो सकती थी। ओवरऑल देखो, मेरे को ये मूवी एकदम गजब लगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो किसी भी एक पैन इंडिया मूवी के अंदर होने चाहिए। चाहे आप बात करो एक्टिंग की, चाहे बात करो स्वैग की, चाहे बात करो मास की, चाहे बात करो एक्शन की, स्टोरी की, मतलब आपको सब कुछ
मिलने वाला है जो एक पैन इंडिया मूवी के अंदर होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस मूवी को चेक करना चाहिए, ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है और इस मूवी को मेरा फुल सपोर्ट है। और किसी भी एक ऐसे इंसान को जिसको सिनेमा देखना पसंद है, उसको क्या चाहिए कि और भी ऐसी जो इंडस्ट्रीज है जिनको अब तक पैन इंडिया स्केल के ऊपर नहीं लाया गया, डेफिनेटली उनको भी आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, ये मूवी आपका टाइम और आपका पैसा डिजर्व करती है। अगर आप लोग भी इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली नीचे ओनली जीत ओनली चेंगेज लिखना मत भूलना। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी चेंगेज। अगर आप लोगों ने इस मूवी को चेक कर लिया है, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।